आज के सत्र में हम परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के उन सम्स को करने वाले हैं जो कि एज पर बोर्ड सिलेबस है जिन भी कोर्सेज में, जस्ट लाइक FY BCOM और FY BAF में भी परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिन भी कोर्सेज में है उनके लिए आइडल एज वेल एज रेगुलर, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आएगी, एक बार उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है ये सिर्फ मेनली फोकस करेगा ऑन क्वेश्चंस, मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक भी, फॉर्मूलास हम लोग किस तरह से यूज़ करें और कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा। बट क्या है कि ये थोड़ा सा श्रिंक, थोड़ा सा ट्रिम टाइप में होगा, शॉर्टकट में, बट उस उन वीडियोज में ना एकदम डिटेल में बताया, तो वो वीडियोस आप जरूर देखिए। तो एक शॉर्ट समरी के लिए मैं आपको बताऊं तो परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज जस्ट नथिंग बट इट इज अरेंजमेंट एंड सेलेक्शन, या फिर कह सकते हो टीम मेकिंग। मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अरेंज करना, जैसे कि तीन चीज़ें हैं और आपको तीनों को अरेंज करना है एस उन तीनों चीज़ों को, तो वो जो अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं को कहेंगे हम लोग परमोटेशन। शॉर्ट समरी, नो लॉजिक नो नथिंग, ज़्यादा दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन मतलब सेलेक्शन, टीम बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, तो कितने तरीकों से कोई ग्रुप बना सकते हैं, किसी टीम का फॉर्मेशन करना है, 10 लोगों में से 5 लोगों की टीम बनानी है या फिर 3 लोगों की टीम बनानी, तो वो कितने तरीकों से हो सकता है, ये सब क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे अंडर कॉम्बिनेशन के, ठीक है। ये बेसिक सी जो नॉलेज रखनी चाहिए इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में वो है। उसके बाद इन दोनों कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है जो कि इस पूरे चैप्टर का बेस है, मेन चीज है, वो यहाँ पे है। परमोटेशन का है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और कॉम्बिनेशन का है जिसे हम लोग कह सकते हैं NCR का फॉर्मूला भी, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या होता है समझिए, एग्जाम्पल के तौर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, जस्ट लाइक कि एन मतलब कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट नंबर टिल वन, मतलब जैसे कि 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई करना है हमें टिल वन तक, मतलब 5 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, जैसे कि 5 से लेके 5 क्या आता है 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 2 के बाद लास्ट 1, इतने नंबरों का मल्टीप्लिकेशन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे कहेंगे हम उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल। एग्जाम्पल के तौर पे आप 3 फैक्टोरियल भी देख सकते हैं, 3 × 2 × 1, टिल वन तक हमें 3 को एक्सपांड करना है और इतने नंबरों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, दिस इज समथिंग फैक्टोरियल। ये भी मैंने ऑलरेडी बेसिक जो वीडियो का आपको मैंने रिकमेंड किया उस पर बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर में भी ये दो चीज़ें तो मेन है ही, फॉर्मूला, बट इन फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए भी जो चीज़ें आपको मोस्टली पता होनी चाहिए वो है पहला एन और दूसरा है आर। एन इज नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो आपको अरेंज करनी है या फिर जिन जिनसे आपको एक टीम बनानी है, एंड आर इज अवेलेबल प्लेस, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में समझाता हूँ। लेट्स हैव अ लुक द फर्स्ट सम। तो ये जो फर्स्ट सम है, अब जो भी हम सम्स करेंगे फिलहाल स्टार्ट में इनिशियली वो होंगे परमोटेशन के सम्स, यानी कि जिसमें आपको चीज़ों को अरेंज करना होगा। पहला सम देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 टॉयज कैन बी सीटेड फॉर अ ग्रुप फोटो, ठीक है। पहले क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि जिन जितनी चीज़ों को अरेंज करना है वो है एन, मतलब 4, और हमें कहा गया इन्हें अरेंज करना है और कोई कंडीशन दी गई नहीं, मतलब हमें सिर्फ एक ही नंबर दिया गया कि हमें 4 लोगों को अरेंज करना है, ठीक है। 4 लोगों को अरेंज करना है मतलब आर भी, यानी कि 4 लोगों को अरेंज करने के लिए जो प्लेसेस लगेंगे वो भी 4 ही होंगी, है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव और नंबर ऑफ अवेलेबल स्पेस या फिर अवेलेबल प्लेसेस, ये मिल गया हमें, एन मिल गया, आर मिल गया। सिंपली इस फॉर्म में हम लोग अप्लाई करते हैं परमोटेशन, विच इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन की जगह हम 4 रखेंगे और आर की जगह भी 4 रखेंगे, 4 फैक्टोरियल, एन इज 4, आर इज ऑल्सो 4,
फोर फैक्टोर है अपॉन फोर माइनस फोर जीरो फैक्टोर। एक और नोटेबल चीज़ याद रखिएगा कि जीरो का फैक्टोरियल हमेशा वन होता है, ठीक है, क्योंकि जीरो तो वैसे भी वन से छोटा है और हमें जो सभी नंबरों का जैसे कि फाइव फैक्टोरियल था तो उसमें मैंने फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू टिल वन लिख दिया, थ्री फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन, फोर फैक्टोरियल फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब सारे जो नंबर्स हैं ना वो वन से बड़े वाले नंबरों का हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, बट जीरो जो है वो वन से छोटा है तो इसका डायरेक्ट फैक्टोरियल माना जाता है वन, ये याद रखिएगा, ठीक है। फोर फैक्टोरियल मतलब फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन टिल वन, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर। तो हम लोग किसी चार बच्चों को चौबीस, यहाँ पे आप लिख सकते चाहे तो ट्वेंटी फोर वेज से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक बेसिक इनिशियल सम है, आगे कुछ और सम्स थोड़ा एक एक लेवल आगे बढ़ते जाएंगे। आप सेकेंड सम देख सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स कैन बी सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ। ओके ठीक, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना, हमें कहा गया है कि हमें ना फोटो के लिए तीन बॉयज और पांच गर्ल्स को अरेंज करना है, ठीक है, जैसा कि पिछला वाला क्वेश्चन था, पहले फाइंड कीजिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सर थ्री बॉयज प्लस टू गर्ल्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं या फिर यहाँ पे चीज़ें नहीं है तो यहाँ पे इंसान, तो टोटल है फाइव पीपल, ठीक है। अब पांच लोग हैं तो उनको पांच सीटों पे बिठाना पड़ेगा, यानी कि नंबर अवेलेबल प्लेस कितना है फाइव, एन है आर है, फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, तो एन की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे फाइव, आर की जगह पे भी फाइव, फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, फाइनल आंसर जो भी आएगा आप मुझे टेलीग्राम पे हमारे जो चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस पे मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये सिमिलर टाइप का सम था इसलिए मैंने इसे रिपीट फाइनल आंसर नहीं लाया, ये आपको करना है। और इसके बाद के भी जो सम्स है जस्ट लाइक इन हाउ मेनी वेज कैन सेवन बुक्स बी अरेंज ऑन अ बुक शेल्फ, फाइंड द वेज ऑफ मेकिंग थ्री पीपल सिट ऑन थ्री चेयर्स, ये जो दोनों सम्स है ये एकदम सेम है थर्ड और फोर्थ जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और हाँ, बोर्ड का ये जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट्स है, ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कम हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख लीजिए, वहाँ से भी आप क्वेश्चन रिफर कर सकते हैं। फिफ्थ सम थोड़ा सा अलग है, अभी बता दो कैसे। फिफ्थ सम में क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज मेकिंग फाइव पीपल सिट ऑन थ्री चेयर्स। मैंने आपको बताया परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज़ें मेन है, पहला है n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा है r यानी कि उन चीज़ों को अरेंज करने के लिए या फिर उन लोगों की टीम बनाने के लिए कितनी प्लेसेस हमारे पास है। तो यहाँ पे कहा गया है n और r ही फाइंड करें, यहाँ भी हमें बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पे बताया भी गया है कि कितना प्लेसेस है हम लोग के पास। इसके पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें बस कहा जा रहा था फोर बॉयज़ को अरेंज करो, थ्री बॉयज़ और टू गर्ल्स को अरेंज करो, सेवन बुक्स को अरेंज करो, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा था कि कितने सीटों में अरेंज करें। यहाँ पे अवेलेबल प्लेस अवेलेबल सीट भी दिया गया, तो यहाँ पे फाइव पीपल्स को हमें अरेंज करना है ऑन थ्री चेयर्स, पांच लोग मींस ऑब्जेक्ट, थ्री चेयर्स मतलब अवेलेबल प्लेस जगह, ठीक है। यहाँ पे सिंपल परमोटेशन का फॉर्मूला लगाइएगा विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n की जगह 5 और r की जगह 3, देखते हैं, तो n इज 5 एंड r इज 3, ठीक है, n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, सो 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब देखिए मुझे अपॉन में दो अलग अलग नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, मैं चाहूँ फाइव फैक्टर को क्या लिख सकता हूँ, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री टू टू इंटू वन, यही है फाइव फैक्टर, यानी कि फाइव से लेके वन तक मुझे एक्सपांड करना है फाइव को, और जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इन सब का मल्टीप्लिकेशन ही होता है फाइव फैक्टोरियल। और टू को क्या लिखूँगा मैं, टू इंटू वन,
मुझे पता है कि 2 into 1 और 2 into 1 कैंसल होने वाला है, तो क्यों ना मैं 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल लिखूं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल और 2 into 1 फैक्टोरियल सेम ही है, चाहे तो आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। इससे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ये चीज़ भी मैंने उन बेसिक वीडियोस में समझा रखी है, तो आप फिर से कहूँगा एक बार उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी 5 into 4, और ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि ये पूरा वीडियो मेनली फोकस करेगा क्वेश्चंस पे, जो कि हमें मोस्टली सॉल्व करने हैं इसमें। तो मैं डिटेल में इतने इन सभी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकता, बट एक शॉर्ट समरी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल हमें मल्टीप्लाई करना है, 5 into 4 20, 20 into 3 60। हम लोग 5 पीपल्स को 3 चेयर्स पे 60 वेज, ये हमारा फाइनल आंसर है, 60 वेज से सिट मतलब बिठा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी सीटेड फॉर अ फोटोग्राफ। जैसा कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेकंड क्वेश्चन था, 3 बॉयज और 2 गर्ल्स का था फोटोग्राफर, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा और आगे एक्सपांड किया गया क्वेश्चन को। इन 2 लाइन्स विथ फर्स्ट लाइन ऑफ बॉयज एंड सेकेंड लाइन ऑफ गर्ल्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल एक एक हाई होता जाएगा, तो अब यहाँ पे ना एंड और का कॉन्सेप्ट भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर डिकोड करते वक्त एंड मिले, तो आपको मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। और जब कभी आप आंसर को डिकोड मतलब क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हो, तो आपको वर्ड मिले और, एंड मतलब होता है और हिंदी वाला और ये और मतलब या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लस करना है। अभी ये भी हमें क्वेश्चन के टाइम में और अच्छे से समझेगा। तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा क्या कि हमें 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स को अरेंज करना है, जैसे कि हम लोगों ने पहले किया है वैसे ऑलरेडी, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 लाइन्स में करना है, जिसमें से मतलब देखिए 2 लाइन्स है, जिसमें पहली लाइन में है बॉयज़, 3 बॉयज़, एंड एंड आया ना वर्ड, एंड मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, दूसरी लाइन में है गर्ल्स। तो हम किस तरह से इसे अरेंज कर सकते हैं? इजी है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हमें देखिए फर्स्ट लाइन में 3 बॉयज़ को अरेंज करना है, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है 3, ठीक है। और अब अगर हमें और यहाँ पे कोई अवेलेबल प्लेस नहीं दिया गया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि हमें 5 लोगों को बिठाना है, बट कितने चेयर्स है हमारे पास? सर सिर्फ 3 चेयर्स है, मतलब जो प्लेस है वो कम है और जो लोग हैं वो ज्यादा है। ये भी याद रखिए हमेशा कि हमेशा एन जो है वो एन आर से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। मतलब हमें जो लोगों को अरेंज करना पड़ेगा या फिर जिन लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा, वो लोग हमेशा अवेलेबल प्लेस के जितने होंगे या फिर उनसे ज़्यादा होंगे। कभी अवेलेबल प्लेस ज़्यादा नहीं होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब चाहे तो सिंपल सा लॉजिक, आर कभी भी एन से बड़ा नहीं होगा, या तो बराबर होगा या तो एन जो है मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वो बड़ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली नंबर एन पी आर परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और आर मतलब अवेलेबल प्लेस। 3 माइनस 3 कितना होगा? अगेन 0 सर, 3 फैक्टोरियल हमें निकालना पड़ेगा, 0 का फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल होता है 1, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है। हम लोगों को अभी सेकेंड लाइन की ओर देखना है। इन सेकेंड लाइन एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़कियां। तो 2 लड़कियों को 2 सीटों पे, कुछ बताया नहीं था कि कितने सीटों पे अरेंज करना है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे हमारे पास अवेलेबल प्लेस है 2, ठीक है। परमोटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2 into 1 2। हमने पहले लाइनों में पहली लाइन में 3 बॉयज़ को अरेंज किया इन 6 वेज, ठीक है। और दूसरी लाइन में हमने लड़कियों को अरेंज किया इन 2 वेज, ठीक है। बट हमें कहा गया है कि
हमें पता करना है कि हम किस तरह से पहली लाइन और मतलब एंड आ रहा है ना क्वेश्चन में, तो मतलब पहली लाइन में अरेंज करना है 6 वेज समझता हूँ, दूसरी लाइन में गर्ल्स को अरेंज करना समझता हूँ, बट हमें दोनों का निकालना कि हम लोग कितने तरीके से दोनों का पूछा के एंड वर्ड आया तो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट या फिर परमोटेशन कह सकते हैं। मैंने पहली लाइन में 6 तरीकों से बॉयज को अरेंज किया और दूसरी लाइन में 2 तरीकों से, ठीक है, तो मैंने टोटल 12 तरीकों से एंड आया मतलब मल्टीप्लीकेशन, 12 तरीकों से ये दोनों काम कर दिए। ठीक है, होप सो कि आपको समझा होगा। अब नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं। आई नो थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, बट क्वेश्चंस इनिशियली वैसे सिंपल है, अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आपको और अच्छे समझता, तो वो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, 7th सम है। 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर सीटेड इन 3 लाइन्स फॉर अ ग्रुप फोटो। फर्स्ट लाइन हैज 8 चेयर्स, सेकेंड लाइन हैज 3 चेयर्स एंड थर्ड लाइन थर्ड 5 चेयर्स। इन हाउ मैनी वेज कैन बी डन। ये 7th सम भी वैसा ही है बिल्कुल, सिर्फ एन और आर फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है 7th क्वेश्चन में। हमें 20 पीपल्स को बिठाना है, अरेंज करना है इन 3 लाइन्स। उस सबसे कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे कुछ बॉयज गर्ल्स ऐसे कुछ उतना डिटेल में दिया गया नहीं है, तो हम किसी को भी कहीं भी बिठा सकते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ये आपको कंसिडर नहीं करना। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि हमें पहली लाइन में बॉयज़ को अरेंज करना है, दूसरी लाइन में गर्ल्स को अरेंज करना है, ऐसे थोड़े से कंडीशन दी गई थी, बट यहाँ पे वैसा इनिशियली कुछ नहीं, तो कोई इतना डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, और हमें कहा गया है कि अभी क्वेश्चन में देखिए कि फर्स्ट लाइन में 8 चेयर्स है, सेकेंड में 3 चेयर्स और थर्ड में 5 चेयर्स, मतलब हमारे पास टोटल कितने चेयर्स है बिठाने के लिए लोगों को, 8 + 3 + 5, यानी कि नंबर ऑफ प्लेस नंबर ऑफ स्पेस है आर 16। 20 लोगों को हमें 16 चेयर से बैठाना है। लाइन वेन की कोई चिंता मत कीजिए, बस हमें ये देखना है कि हमारे पास कितनी कुर्सियां हैं। हमारे पास 16 कुर्सियां हैं सर। ठीक है, एन मिल गया आर मिल गया। लोग सब यहाँ पे वो भी कुछ क्लेरिफाई नहीं किया गया था कि बॉयज मतलब स्टूडेंट्स में बॉयज है कि गर्ल्स है, हमें सिर्फ इतना क्या आ गया है कि 20 लोगों को 3 लाइन के हिसाब से इतने इतने चेयर में अरेंज कीजिए। हमारे हमें हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास हमारा अवेलेबल प्लेस है, हम अपना परमोटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और जो भी आंसर आएगा उसे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे टाइप करके भेज देना है। ठीक है, सिंपल है इनिशियल सम। अब जो 8th सम है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 पीपल बी सेलेक्टेड फॉर 3 पोस्ट। सिंपल, एन इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, कितने पोस्ट हैं हमारे पास सर, 3 पोस्ट खाली है, यानी कि आर अवेलेबल प्लेस है 3। परमोटेशन का फॉर्मूला लगाना है हमें, एन की जगह पे 6 आर की जगह पे 3, 6 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि 6 - 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 इज 3 फैक्टोरियल। 6 × 4 × 5, मैं 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ इंटू 3 फैक्टोरियल। क्यों सर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है जो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो सकता है। फाइनल आंसर 4 × 5 = 20, 20 × 6 = 120। तो 120 वे से हम लोगों को कंपनी में पोस्ट दे सकते हैं। सिंपल है, अब तक के जो भी सम्स किए मैंने उसमें कुछ भी उतना डिफिकल्ट नहीं था, सिंपली हमें एन और आर फाइंड करने थे अब तक क्वेश्चन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सम है विच इज 10th सम, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नंबर 1, 2, 3 डॉट 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 मतलब एक्सेट्रा टिल 9। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी दी गई है, नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन इज अलाउड वगैरह वगैरह। ठीक है, वैसे एक्चुअल में ये 10th सम है, बाय मिस्टेक पढ़ दिया, बट 9th सम भी सिमिलर ही है कि आपको 10 लोगों को 4 मेंबर्स के लिए सेलेक्ट करना है, तो एन है आपका 10 और आर यानी कि अवेलेबल प्लेस कितना है 4, तो यहाँ भी आपको सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लिख देना है। 10th सम मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, तो हमें कहा गया है कि
हमें 5 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, आउट ऑफ 1 to 9 डिजिट, मतलब 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट्स को यूज करके, ठीक है? 9 डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन इज अलाउड, सिंपल है। अब तक जो हम लोग क्वेश्चन करे थे सेम टू सेम है हमारे पास, हमें बस यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है कि नो डिजिट इज रिपीटेड। अब ये नो डिजिट क्या है ये मैं पहले बताता हूँ, उसके पहले ये देखिए हमारे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, मतलब 9 डिजिट्स है ना हमारे पास। ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो चीज़ें हैं जिन्हें हमें अरेंज करनी है, और आर यानी कि अवेलेबल प्लेस, हमें 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। अगर थोड़ा और डिकोड करूँ उसे मैं, तो मुझे 5 डिजिट वाला एक नंबर बनाना है, ठीक है? तो मेरे पास मतलब 5 बॉक्सेस हैं, समझ लीजिए एक तरह से, और मेरे पास नंबर है 1, 2, 3, 4 till 9, मतलब मुझे इन 9 में से कोई भी नंबर यूज करके 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अवेलेबल प्लेस, ठीक है? तो अवेलेबल प्लेस इज आर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि जितने हमारे पास डिजिट्स हैं, ठीक है? तो हमें 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है। अभी मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है, बट आपको भी समझा देता हूँ। हमारे पास दो वेज है क्वेश्चन सॉल्व करने के, एक तो है ऑर्गेनिक वे, लॉजिकल वे, दूसरा है कि हम परमोटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें। और मैं दोनों तरीकों से आपको एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, और देखिएगा हमारे आंसर भी सेम है, ठीक? क्वेश्चन क्या देखते हैं, हमें कहा गया है कि डिजिट 5 डिजिट का नंबर बनाना है, हमारे पास टोटल 9 डिजिट है, जिसमें से पहला एक और कंडीशन दिया गया है कि नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है? सिंपल, तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स मान लीजिए मैंने 1 से 9 तक में 5 डिजिट का नंबर बना रहा हूँ, तो पहला नंबर मैंने चूज कर लिया 1, तो अब मैं 1 को किसी भी बॉक्स में, बचे हुए 4 बॉक्सेस में यूज नहीं कर सकता, ठीक है? जो पहला, लेकिन पहला जो डिजिट था, मैं उसके लिए 9 में से कोई भी नंबर, इन 9 में से कोई भी नंबर यूज कर सकता था, नंबर नहीं उसे डिजिट कहें, ठीक है? तो मैं इन 9 में से कोई भी डिजिट यूज कर सकता था, तो मतलब मैं, मेरे पास 9 डिजिट्स थे पहले डिजिट के ऑप्शंस के लिए, ठीक है? जो 5 डिजिट वाला नंबर मैं था उसमें पहला जो डिजिट है वो चुनने के मेरे पास 9 ऑप्शंस थे, या फिर 9 डिजिट्स थे, उसे ही हम कहेंगे 9 वेज से हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है? मान लीजिए मैंने 1 को यूज़ कर लिया, तो अब मैं 1 को वापस यूज़ नहीं कर सकता। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी गई है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी मैंने 1 यूज़ किया, तो मैं 1 को वापस यूज़ नहीं कर सकता। अब मेरे पास दूसरा डिजिट चुनने के कितने ऑप्शंस हैं, कितने वेज हैं, ठीक है? तो सर, मैंने अगर 9 में से एक नंबर ऑलरेडी चूज कर लिया है, तो मेरे पास अब सिर्फ 8 डिजिट्स बचे हैं, या फिर 8 ऑप्शंस बचे हैं, समझ लीजिए वो डिजिट होगा 2, तो 2 भी कैंसिल हो गया। तीसरे के लिए अब मैंने 1 को यूज़ कर लिया, 2 को यूज़ कर लिया, अब मेरे पास कितने डिजिट्स बचे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मेरे पास 7 डिजिट्स बचे हैं, ठीक है? यानी कि 7 ऑप्शंस बचे। मान लीजिए मैंने 3 को यूज़ कर लिया, अब मैंने 3 नंबर्स यूज़ कर लिए 9 में से, अब मेरे पास कितने डिजिट्स बचे हैं, 6 डिजिट्स, 4 to 9, समझ लीजिए मैंने 4 को यूज़ कर लिया, दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है? मैंने 4 को भी यूज़ कर लिया, अब मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे हैं, मैंने 1 यूज़ कर लिया, 2 यूज़ कर लिया, 3 यूज़ कर लिया, 5 यूज़ कर लिया, 5, 6, 7, 8, 9, मेरे पास अभी भी 5 ऑप्शंस बचे हैं, मान लीजिए मैंने 5 यूज़ कर लिया, ठीक है? मतलब जो बचे हुए 5 नंबर से उसमें से कोई भी नंबर यूज़ कर, तो अब ये 5 जो डिजिट्स है, देखिए हमें 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है, बराबर? पहला डिजिट और दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट और चौथा डिजिट और पांचवा डिजिट, ये 5ों डिजिट जब एक साथ होंगे तब एक 5 डिजिट वाला नंबर बनेगा। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एंड और के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट है, जब भी एंड वर्ड आएगा, यानी कि फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट, तो इन सभी डिजिट्स के जो ऑप्शन है उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? ऑप्शन 20, तो हम फर्स्ट नंबर को चूज कर सकते हैं बाय 9 वेज,
सेकेंड को बाय 8 वेज, थर्ड को बाय 7 वेज, फोर्थ को बाय 6 वेज और फिफ्थ को बाय 5 वेज जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा फाइनल आंसर वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अभी सेम सम को मैं परमोटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके लिखता हूँ। मेरे पास 5 डिजिट का नंबर बनाना है फिर, या इसलिए मेरे पास 5 जो स्पेस है या फिर 5 प्लेसेस है वो खाली है। मुझे 9 डिजिट्स, मेरे पास 9 ऑप्शंस, 9 ऑब्जेक्ट्स है जिनका यूज़ करके मुझे ये 5 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। मेरा एन है 9 और आर यानी कि अवेलेबल प्लेस है 5। सिंपल, एन और आर। मैं परमोटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा विच इज़ एन फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन मैं 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल 9 × 8 72 7 × 6 42 × 5 1 210। फाइनल आंसर इज अब जब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे सेम ही आएगा। यहाँ भी आप देख सकते थे प्रूफ के तौर पे कि हमें यहाँ भी परमोटेशन के फॉर्मूला यूज़ करने के बाद भी आ रहा था 9 × 8 × 7 मतलब 9 × 8 × 7 × 6 × 5। सेम चीज़ यहाँ भी आई थी। तो जो भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा वो तो सेम आएगा आएगा, ठीक है। ये ऑर्गेनिक लॉजिकल वे जिन लोगों को समझा हो अच्छी बात है, वरना वो लोग परमोटेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, हमें कहा गया है कि इस बार रिपीटेशंस अलाउड हैं। अब इसका मतलब क्या, ठीक है। हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं, वापस बॉक्सेस का एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और मेरे पास 1 से लेके 9 तक के डिजिट्स या फिर 9 ऑप्शंस हैं, ठीक है। मेरे पास 5 प्लेसेस हैं और मेरे पास 9 ऑप्शंस हैं। समझ लीजिए मैंने पहला डिजिट चुनने के लिए कोई भी नंबर कोई भी डिजिट चुन लिया, जैसे कि मैंने 1 को चुन लिया, तो मैं 1 को वापस चुन सकता हूँ, मैं एक और बार 1 को चुन सकता हूँ, मैं 2 बार 1 को चुन सकता हूँ, 3 बार 1 को चुन सकता हूँ, 5 बार 1 को चुन सकता हूँ। मतलब मैं पांचों जो डिजिट वाला नंबर बनाऊंगा, मैं सेम डिजिट वाला नंबर बनाऊँ तो भी चलेगा। मतलब मेरे जो ऑप्शंस है, जो 9 ऑप्शंस है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। मैं पहले डिजिट के लिए 9 में से कोई भी डिजिट चुन सकता था, तो मेरे पास 9 ऑप्शंस थे। दूसरे डिजिट के लिए भी सेम मेरे पास 9 ऑप्शंस थे। तीसरे डिजिट के लिए भी मेरे पास 9 ऑप्शंस थे। चौथे डिजिट के लिए भी मेरे पास 9 ऑप्शंस थे। अगर आपको ये ऑप्शंस का ये जो मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ ये नहीं समझ रहा, तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैंने डिटेल में ये डिजिट वाले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, ठीक है। और पांचवे डिजिट के लिए भी मेरे पास 9 ऑप्शंस है। इन पांचों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। और एक्चुअल में ये परमोटेशन का रिपीटेशन के साथ जो क्वेश्चन है ये परमोटेशन में आप एक तरह से कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके 9 है बट अवेलेबल प्लेस है आपका आर, मतलब अवेलेबल प्लेस आर है 5। तो यहाँ पर परमोटेशन का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। परमोटेशन का फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब 9 डिजिट के हिसाब से आपको जो कंडीशन दी गई हो वहाँ पे आप परमोटेशन का, सिर्फ वहीं पे आपको परमोटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर रिपीटेशन अलाउड वाला क्वेश्चन आया, रिपीटेशन इज अलाउड, तो वहाँ पे परमोटेशन का फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ता हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग अ 4 डिजिट इवन नंबर फ्रॉम द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। यहाँ पे कंडीशंस आएंगी, थोड़ा सा दिमाग ध्यान में दीजिएगा। देखिए मुझे क्वेश्चन में कहा गया कि मुझे 4 डिजिट वाला एक इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर मतलब कि जिसमें 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, बाय यूजिंग 1 to 9 डिजिट्स, ठीक है। मतलब मेरे पास 9 ऑप्शंस इस बार भी है और जहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है।
यहाँ पे थोड़ा सा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए मेरे पास चार बॉक्सेस है एक तरह से कह सकते हैं, या फिर मुझे चार डिजिट वाला एक नंबर बनाना है, ठीक है, और वो नंबर इवन ही होना चाहिए। अब इवन नंबर की खासियत क्या है सर, कि उसका जो यूनिट प्लेस होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई प्लेस, वहाँ पे नंबर आते हैं 2, 4, 6 और 8, यही चार नंबर आते हैं। जैसे कि इवन नंबर क्या क्या होता है, 12 एक इवन नंबर है, 14 एक इवन नंबर है, 16 एक इवन नंबर है, 18 इवन नंबर, और 0 भी आ सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास 0 का ऑप्शन नहीं है। तो हमें ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिनके लास्ट में 1, 2, 3, 4 ये चार डिजिट्स आ सके, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। तो इस चीज को भी याद रखिए आप, कि आपको जब ऐसे थोड़े से कठिन, थोड़े से ज्यादा ही डिटेल वाले और घुमावदार क्वेश्चंस हो, तो हमेशा आपको पहले कंसीडर करना है कंडीशन को। हमें कहा गया था चार डिजिट वाला नंबर बनाना है, कोई बात नहीं सर, समझ गया, इतना मैं कर लूंगा, मुझे चार डिजिट यानी कि चार प्लेसेस के हिसाब से नंबर बनाना है, बट उसके ला वो एक इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर मतलब सर उसके यूनिट पे ये चार नंबर ही होंगे, ठीक है। तो मैं जो 4 डिजिट का नंबर बनाऊंगा उसके इकाई स्थान पे, यूनिट स्थान पे कितने नंबर्स में से कोई भी नंबर चूज कर सकता हूँ सर, मैं चार में से कोई भी नंबर चूज कर सकता हूँ, आप उसे वेज कहें या फिर ऑप्शन कहें, आप पे डिपेंड करता है, मैं इन चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता हूँ, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। समझ लीजिए कि इन चारों में से मैंने 2 को चूज कर लिया, ठीक है, याद रखिए, फिर से कहता हूँ कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हाँ तो अभी मैंने इकाई स्थान के लिए यानी कि यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। अब चाहे तो आप यहाँ परमोटेशन का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लॉजिकल वे से भी जा सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल वे क्या है, देखिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक नंबर तो मैंने ऑलरेडी यूनिट प्लेस के लिए रिजर्व करके रखा है, तो मेरे पास ऑप्शन अभी कितने ऑप्शन है या फिर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो डिजिट्स है वो है 8, और आर यानी कि अवेलेबल प्लेस है 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परमोटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, NPR, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, मैं 8 को 5 तक एक्सपांड करूंगा, याद रखिए अगर ऊपर का फैक्टोरियल नंबर और नीचे के फैक्टोरियल नंबर में जितने का डिफरेंस होगा, जैसे कि 8 से 5 के बीच में 8 × 7 × 6, जब 5 आएगा सेम नंबर मिल रहा है, फैक्टोरियल लिख दीजिए, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 × 6 = 42, 8 × 42, 8 × 2 = 16, 8 × 4 = 32 = 33, ठीक है। अभी ये 3 डिजिट और ये चौथा डिजिट, और यानी कि एंड ये चौथा डिजिट मिलके 4 डिजिट वाला नंबर बनाएंगे। मैं 3 डिजिट्स को 336 वेज से चूज कर सकता हूँ, और लास्ट डिजिट को 4 वेज से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कह सकते हैं आप, मैं 3 डिजिट को तो 360 वेज से कर रहा हूँ, और चौथे डिजिट को 4 डिजिट में से या फिर 4 ऑप्शन में से, तो इन दोनों, बट ये चारों डिजिट मिलके एक 4 डिजिट वाला नंबर बनाएंगे ना, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 12 + 2 = 14, 4 × 3 = 20, 12 + 1 = 30, ठीक है। तो मैं टोटल 1344 वेज से कोई 4 डिजिट वाला इवेन नंबर फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। उपसो क्या आपको समझा हुआ एंड के हिसाब से, ठीक है, 4 डिजिट मिलके बनाते हैं फोर एक 4 डिजिट वाला नंबर, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले मैंने कंडीशन के हिसाब से देखा कि लास्ट डिजिट पे कौन सा नंबर होना चाहिए, तो 2, 4, 6, 8, ये चार में से कोई भी नंबर कर सकता हूँ, बाकी 3 डिजिट को मैंने ढूंढा परम्यूटेशन के फॉर्मूले से, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझा होगा। लेट्स हैव अ लुक टू द अनदर सम। अब 12th वाले में भी सेम कंडीशन दी गई है,
हमें थ्री डिजिट वाला एक और नंबर बनाना है बाय द यूजिंग ऑफ नंबर डिजिट 1 टिल 9, मतलब 9 डिजिट्स को हमें यूज करके एक थ्री डिजिट वाला नंबर बनाना है जो कि होगा ऑड। अब ऑड नंबर की खासियत क्या है, जैसे कि इवन की है कि उसके लास्ट में 1, 4, 6 और 8 आना, सॉरी 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए। वैसे ऑड नंबर की खासियत क्या है कि उसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आ सकता है, मतलब हम लास्ट डिजिट जो है वो 5 ऑप्शंस या फिर 5 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट चुन सकते हैं, 5 ऑप्शंस, 5 डिजिट्स, 5 वेज से चुन सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो लास्ट डिजिट तो हमें फिक्स हो गया। इसके बाद जो कंडीशन है, जैसे कि पहली कंडीशन है नो डिजिट इज रिपीटेड। अब नो डिजिट रिपीटेड का क्वेश्चन है या फिर कंडीशन है, तो यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हमारे पास सर दो ऑप्शन, दो प्लेसेस है, ठीक है, मतलब आर है मेरा 2, ठीक है, और मेरा एन क्या है। अगर मैंने 1 to 9 में से कोई भी, मतलब मेरे पास वैसे तो 5 ही डिजिट्स का ऑप्शन है, 1, 3, 5, 7 और 9, इन 5 में से कोई भी डिजिट मैं लास्ट नंबर पे फिक्सली रखूंगा ही रखूंगा। 1, 3, 5, 7, 9, समझ लो मैंने 1 को रख दिया। तो अब मेरा ये जो 1 है, और यहाँ पे डिजिट वैसे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मैंने अगर 1 को रख दिया तो मेरे पास अब बचे हैं सर सिर्फ 8 ऑप्शंस, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बचे हैं 8, नंबर ऑफ प्लेस है 2। सेम टू सेम फॉर्मूला अप्लाई करो परमोटेशन का, और फाइनल आंसर जो भी आएगा, जैसे कि एट 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, 8 × 7 × 6, क्योंकि 8 माइनस 2 इज 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 8 × 7 56। मैं लास्ट डिजिट को 5 तरीकों से चुन सकता हूँ, लेकिन पहले 2 डिजिट्स के ऑप्शंस के को मैं 56 वेज से चूज कर सकता हूँ। तो अरेंजमेंट 56 × 5 इज इक्वल टू 280 वेज। होप्स हो गया, आपको ये लॉजिकल वे समझा होगा। 3 डिजिट का मुझे कोई नंबर बनाना है, इसका लास्ट जो ऑड नंबर हो, तो मतलब लास्ट में जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक नंबर आना चाहिए, ठीक है, ऐसा है। अब जो सेकेंड कंडीशन है, विच इज़ कि रिपीटेशन तो अलाउड है सर, ठीक है, तो मेरे पास 1 से लेके 9 तक 9 ऑप्शंस है, बट मेरा नंबर, ये भी याद रखिए, रिपीटेशन अलाउड है बट वो नंबर फिर भी ऑड नंबर होना चाहिए, यानी कि लास्ट नंबर में अभी भी सिर्फ 5 तरीकों से चूज कर सकता हूँ, मतलब मैं 1, 3, 5, 7, 9 इन्हीं 5 में से कोई एक नंबर यहाँ यूनिट प्लेस पे रखूँगा, ठीक है। बट समझ लो मैंने अगर 1 रख भी दिया तो मैं 1 को बार बार यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं 3, 111 भी तो एक ऑड नंबर है ना, जिसमें 1 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने सिंस लास्ट में मेरे जो 9 ऑप्शंस है उसमें से कोई एक ऑप्शन, मतलब 5 में से 1 ऑप्शन कह सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक नंबर लग भी दिया, तो मैं भी या फिर भी दूसरे और पहले डिजिट में अपने 9 के 9 ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं 1 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, सिंस देर इज रिपीटेशन इज अलाउड। मेरा अरेंजमेंट का आंसर क्या आएगा, 9 × 9 × 5 981 × 5। मैं लास्ट डिजिट 5 तरीकों से चुन सकता हूँ बट बाकी 2 डिजिट्स 9 तरीकों से। ये जो लॉजिक है ये अगर आपने समझ लिया तो परमुटेशन आपने समझ लिया, ठीक है। तो आंसर वेलकम 405, ठीक है। तो ये तो गाइस हुई डिजिट्स वाली जो गुत्थी थी, थोड़े बहुत समझते, होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन समझे होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। सेकेंड पार्ट के लिए मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।